मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहीं हल्के तो कहीं बेहद ज्यादा बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद में 4 अक्टूबर को छिटपुट बारिश हुई, वहीं बुधवार को 61.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार आगामी 8 अक्टूबर से आगे तक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश होने से कहीं पर भी जलहानि और पशुहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन नदी में डूबकर एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे समुचित तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रभावित व्यक्ति है उनके परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि द्वारा आर्थिक सहायता की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी आगामी 8 से 9 तारीख तक मौसम में इसी तरह का बने रहने की संभावना है। धीरे धीरे मौसम साफ भी हो जाएगा तब तक, और कुछ जगहों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी है, तो अभी मौसम कुछ दिनों तक इसी तरह प्रकार बने रहने की संभावना है। सर, 5 अगस्त को भारी वर्षा हुई है, कहीं जनहानि? देखिए, कहीं इस तरह से कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ, नदी में डूब के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, तो समुचित तहसीलों से ये निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि वे जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अंतर्गत दे किया जाए, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होती हैं उनके परिवारजन को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।